नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमाल और हमारे साथ बसपा समर्थित प्रत्याशी हैं, बसपा के उम्मीदवार हैं मुशीर खान जी। आप वार्ड 52 से गीता नगर से अपनी दावेदारी आपने पेश करी, सर स्वागत है आपका। मेरा नाम मुशीर खान है, मैं बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी हूँ वार्ड 52 गीता नगर से, और आज मैंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और सभी के साथ में, सभी भाई समर्थक वोटर सबके साथ में दाखिल कर दिया है। बाकी आगे समस्या जो भी है क्षेत्र की, उसको निपटाने का, अच्छे से अच्छा काम करने का आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। क्या समस्या है आप जिक्र कर रहे हैं कि समस्या है बहुत ज्यादा, तो क्या क्या समस्या अभी आपके वार्ड में है? स्वास्थ्य शिविर, लोगों की बीमारी जैसे डेंगू है, मलेरिया है, इस तरीके से फैलता है, उसकी सफाई देख रेख के लिए, और स्वास्थ्य पार्क बढ़िया सुंदर बनाना, अच्छी पार्किंग देना, अच्छे तरीके से लोगों को वहाँ की जन समस्याओं को अच्छे से उठा के प्रशासन से, शासन से ला के काम कराना, ये जिम्मेदारी है, ये हम आगे प्रण करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा दिल है आपका, आपने ऐसी पार्टी को चुना है वर्तमान में, हालांकि जनाधार है उनका, ऐसा नहीं कि जनाधार नहीं है, ऐसी पार्टी को चुना है जहाँ से कह सकते हैं कि अभी भी उसके जो कैडर वोट के अलावा वोट उधर शिफ्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी, कांग्रेस का तो खैर नामो निशान खत्म हो गया यहाँ से, बीजेपी और सपा जो है दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, और इस समय जो भी हुआ है आप लोग माहौल देख ही रहे हैं, 5 किलो राशन में वोट खरीद रहे हैं बीजेपी वाले, आगे आने वाले समय में आपको कानपुर नगर में बसपा का मेयर और बसपा के पार्षद जीतते हुए नजर आएंगे आपको। एक चीज है, जिस पार्टी के नाम में ही बहुजन, बहुजन ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बाद जितना सब शुरू हुआ था बहुजन है, बहुत इस पे बवाल ही मचा बहुत ज्यादा, और आप मुस्लिम में आते हैं, बाकी आपके जो मेयर प्रत्याशी ओबीसी में आ गए हैं, और दलित वोट लगभग परंपरागत तौर से एक समाज को लेता रहता है, तो आपको लगता है कि मेयर में भी इसका फायदा मिलेगा और आपकी सीट पे भी इस कॉन्सेप्ट पे अगर लड़ते हैं तो फायदा मिलेगा? बता दें कि इस वक्त पे जो समय माहौल चल रहा है, हालात चल रहे हैं, उस हिसाब को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज एकजुट होकर खड़ा हुआ है। जो कहा जाता है सपा और कांग्रेस की तरफ जाता है नगरों, ये जाता था या जाता है वो अलग की चीज है, इस तरह टारगेट जो देख रहा है मुस्लिम समाज, वो बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है, बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है। जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, अग्रिम जीत में दिए दे रहा हूँ आपको, और आप अच्छा लड़े, अच्छा जीते, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ये मुशीर खान जी थे, बीएसपी के कैंडिडेट हैं और अच्छा चुनाव लड़ने के अपने दावे कर रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़ेंगे भी, उम्मीद है, क्योंकि परंपरागत वोट के साथ अगर मुस्लिम वोट आपकी तरफ शिफ्ट होता है तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनका कहना है कि बसपा की तरफ अब मुस्लिम जितना वोट है वो निहार रहा है और शायद सपा और कांग्रेस को छोड़कर बसपा में फिर से वापस आएगा। ऐसे और लोगों से मिलाऊंगा, बने रहे कभी न्यूज के साथ, नमस्कार।